दादा। कैसा है, क्या हो रहा है? बस। अरे चाय बना रहा है, चल मैं बनाता हूँ। अरे दादा, अरे मैं बनाता हूँ ना। हट ना, मुझे बनाने दे, चल हट। दूध कहाँ है? हाँ लाता हूँ। ए, तेरी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे फर्स्ट क्लास दादा। हाँ आजकल तो अपन 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, अगले हफ्ते मैच है ना दादा, देखना ये टाइम तो अपन फोड़ डालेगा। सुन, काम है तेरे लिए। हाँ, ये हमारे मोहल्ले में कोई समाज सेवक है, शायद हरी है उसका नाम। अरे हरी? हाँ, उसको तो जानते हैं अपन, उसको तो मिला था अपन वो दिन। तेरे को मालूम है दादा, उसको अपन मिला ना तो अपन को बाबा याद आ गया। एकदम बाबा के जैसे बात करता है, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, सबकी मदद करने का, और वो आत्मा क्या बोलता है, आत्मसम्मान करने का। अच्छा आदमी सिद्धू, तू सच्चाई का सामना कब करेगा? बोल, कब करेगा तू? क्या क्या सच्चाई बाबा के बारे में? श्याम सुंदर को भूल गया तू? वो आदमी जो पुणे से आया था, क्या बोल के गया था बाबा को? क्या क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था, कोई नहीं आया था पुणे से। क्या बकवास कर रहे थे, अमन को कुछ नहीं मालूम। अच्छा छोड़, रहने दे। देख, कुछ लोग मोहल्ले में रोनी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शाम को 7 बजे म्युनिसिपल स्कूल में मीटिंग है, तू जरा जाके देख क्या कर रहे हैं वो। अपन को नहीं करने के चुगली उगली। ए? चुगली तो दोस्तों के खिलाफ की जाती है, ये काम तू मेरे लिए कर रहा है, समझा? अरे समझा क्या। जा, बाद में मिलता हूं तुझसे। अरे ये पैसे रख। सही लोग, बस इतने सही लोग हैं इस मोहल्ले में जो लड़ना चाहते हैं। ओ मास्टर, तुम हमको इधर बात करने को बुलाया, ये लड़ने वड़ने नहीं आया हम इधर। तो फिर उसी के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। सारी हम थोड़ा पिया, पर इतना भी नहीं पिया कि अपना बीवी को विधवा बनाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अगर आज इस लड़ाई से भागोगे तो कल अपने इन बच्चों के सवालों का क्या जवाब दोगे? कौन सवाल, कैसा सवाल? हम अपना बाप को कोई सवाल किया जो ये साला हमको सवाल करेगी? पर सवाल है, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक। रौनक सिंह के गुंडे जो तुम्हारी मेहनत की कमाई तुमसे छीन कर ले आते, उन्हें कैसे रोका जाए? और इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, हाँ मेरे पास। ये देखो, ये वकालतनामा जो फातिमा मैडम ने बनाया है, इसमें सरकार से फरियाद है कि रौनक सिंह तुम लोगों पर क्या क्या जातियाँ करता है। इस पर दस्तखत कर दो और देखो तुम्हें क्या मिलता है। जो ये पेपर में साइन करेगा वो जरूर मरेगा जी। तो अभी कौन सा जिंदा हो तुम लोग? हाँ, चलती फिरती लाशें, अरे कब तक उस शैतान को बलि चढ़ाते रहोगे अपनी? हाँ बोलो बोलो। सिद्धू वहां क्यों बैठे हो, यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं अपनी यही ठीक है। पर ये इधर काहे को आया? क्यों, ये भी तो अपने मोहल्ले में ही रहता है। पर इसका भाई है वो जयदेव, रानी का सबसे बड़ा चमचा। ए मद्रासी, अपने भाई के बारे में कुछ बोलो ना, फोड़ डालेगा। एक मिनट। तो क्या बोलते हैं आप लोग, सिर्फ एक दस्तखत? इस कागज में इतनी ताकत है कि रौनक सिंह की लंका को जलाकर राख कर दे। क्या तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो सच का साथ दे? हाँ बोलो। वेरी गुड अविनाश। अविनाश पागल हो गया क्या तू? वेरी गुड अविनाश, बैठ जा। अविनाश यहाँ साइन कर, बैठ जा। अविनाश बैठ जा। अविनाश इसकी बात मत सुनना, मैं कह रहा हूँ ना बैठ जा तू। अविनाश मैं कहता हूँ यहाँ साइन कर, बैठ जा तू। अविनाश कभी ना कभी किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। गरीब क्या खड़ा होगा गरीब है, उसे तो सर झुका के चलना पड़ता है। गरीब नहीं कायर, कायर सर झुकाता अपना, गरीब कमजोर नहीं होता उस्मान भाई। ये लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, रुक
वहां से नहीं, यहां से निकल चल। ये देख हरी, हाँ अपन को तेरे माफिक बात करने को नहीं आता है, लेकिन अपन तेरे को एक बोलता है, ये जो तो कर रहा है ना ये बहुत डेंजर है। हाँ जो कुछ भी है मेरे लिए तो सिर्फ यही एक रास्ता है। अरे ये रास्ता नहीं, नो एंट्री है। तेरे को क्या लगता है रौनक सिंह तेरे को गाल पे पप्पी देगा और अपना धंधा बंद करेगा तेरे लिए? अरे यहाँ तो यही कायदा है, ऐसे चलता है यहाँ पे। चलता क्योंकि तुम और मैं चलने देते, वो मारता है तो हम चुप रह जाते, वो डराता है तो हम डर जाते। हमारी बुजदली तो उसकी ताकत है। किसका भला करना चाहता है तू, ये बस्ती वालों का? हाँ अरे रौनक सिंह जब तेरे पीछे पड़ेगा ना तो इनमें से कोई नहीं आएगा तेरे को बचाने के लिए, सब अपनी अपनी खोली में छुप जाएंगे चूहे की तरह। कौन कहता मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ या किसी और के लिए? मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ क्योंकि यही एक तरीका आता है मुझे जीने का। और तुम अपुन? अरे अपुन ये सब लफड़े में नहीं पड़ता है, अपना तो बस सीधा हिसाब है, जियो और जीने दो। अपुन से कोई पंगा नहीं लेता? अपना भी हिसाब एकदम सीधा है सिद्धू। मैं जब भी अपना चेहरा आईने में देखूँ ना तो मुझे अपने आप को देखकर शर्म ना आए। बस तेरे साथ यही गड़बड़ है, तू बात करता ना तो दो दिन तक अपने भेजे में घंटी बजता है साला। अपन तेरे को एक और वंस मोर बोलता है, ये सब लफड़े में मत पड़ क्या? चल अभी अपन को जाने का, चलते हैं अपन। हाँ चल आजा। अरे साला बंद। हाँ ये खुला, आजा चल जल्दी। अरे, ये क्या कर रहे हो? जिसकी गाड़ी है वो आ गया तो? हाँ तो डिक्की में जगह है ना। हाँ